हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल नो द रियल आर्ट में। मैं पूनम शर्मा आज के अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगी थ्रेड पेंटिंग करना। फ्रेंड्स, मैं अपनी ये वीडियो स्पेशल उन्हीं बच्चों के लिए लेकर के आई हूँ जो बीएड कर रहे हैं, एनटीटी कर रहे हैं या फिर आर्ट से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई स्टडी कर रहे हैं। और बहुत ही परेशान होना पड़ता है उन्हें अपने एग्ज़ाम्स के टाइम में अपनी ड्राइंग फाइल्स को बनवाने के लिए। फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा क्योंकि आप घर पर ही अपनी ड्राइंग फाइल्स को आराम से इजीली बना सकते हैं। मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्रेंड्स आपको सभी तरह की पेंटिंग्स जो आपकी स्टडी से रिलेटेड हैं मिल जाएंगी। तो फ़िलहाल अभी के लिए बात करते हैं थ्रेड पेंटिंग की। फ्रेंड्स, बिना स्किप किए आप मेरी वीडियो को यदि देखेंगे तो डेफिनेटली आप इसे आराम से घर पर बना पाएंगे। तो प्लीज़ बिना स्किप किए आप मेरी वीडियो को देखें और आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ थ्रेड पेंटिंग करने के लिए हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो मैंने यहाँ पर ले ली हैं। एक मैंने यहाँ पर पोस्टर रेड कलर लिया है और दूसरा मैंने यहाँ पर डार्क ग्रीन कलर लिया है। तो दो शेड मैंने यहाँ पर लिए हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमें एक बाउल में पानी और एक प्लेट साफ प्लेट हमें लेनी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमें एक कॉटन का कपड़ा भी लेना है ताकि अपने ब्रश को या ज़्यादा पानी जब जैसे हमारे ब्रश में आ जाए, गीला हो जाए, तो उसके लिए हमें एक कॉटन का कपड़ा भी लेना है। और फ्रेंड्स, ये मैंने एक पेपर लिया है। आपका पेपर किसी भी साइज़ का हो तो आप उसको उसी डायरेक्शन में रखें। मैंने यहाँ पर पेपर को पहले हॉरिजेंटल में रखा हुआ था, अब मैं इसे वर्टिकल में रख रही हूँ क्योंकि मुझे वर्टिकल में ही अपने पेपर को तैयार करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको थ्रेड पेंटिंग करने के लिए। फ्रेंड्स, ये एक थ्रेड भी मैंने यहाँ पर लिया हुआ है और लगभग 1 मीटर के करीब मेरा ये थ्रेड है। और थ्रेड को मैं आपको दिखा दूं, काफ़ी मोटा थ्रेड है ये। तो किस तरह से हमें अपनी थ्रेड पेंटिंग करनी है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अपनी प्लेट को रख लिया है और कलर्स को मैं बाहर निकाल लेती हूँ प्लेट पर। एक मोटे ब्रश की हेल्प से हमें कलर को बाहर निकाल लेना है इस तरह से। और उसके बाद हमें अपना थ्रेड लेना है और थ्रेड को दो सिरों, जो इसके दो सिरे हैं उसे हमें अपने हाथों में ले लेना है। बाकी का थ्रेड हमें प्लेट में इस तरह से छोड़ देना है और ब्रश के साथ हमें अपने सारे थ्रेड पे कलर लगाना है। हमें कलर को ना तो ज़्यादा पतला करना है और ना ही ज़्यादा उसे थिक रखना है। यदि हमारा कलर ज़्यादा थिक है तो आप उसमें हल्का सा ब्रश के साथ पानी ऐड करके इस तरह से अपने थ्रेड को अच्छी तरह से कलर कर सकते हैं। मैंने बस जहाँ से मैंने इसे पकड़ा है मैंने वहाँ पर इसे कलर नहीं किया है। जब हमारा थ्रेड अच्छे से कलर हो जाए तो हमें इसकी जो उलझन है, टेंगल हो गया है काफ़ी ये, तो इसे इस तरह से हमें अपने ब्रश के साथ खोल लेना है। और अब मैं इसको एक साइड में रख रही हूँ। अब अपना उसी पेपर को जिस पर हमें अपना वर्क करना है, मैंने पेपर रख लिया है और थ्रेड को रखने जा रही हूँ। तो आप ध्यान से देखिएगा किस तरह से हमें थ्रेड रखना है। ये देखिए फ्रेंड्स, आप थ्रेड को किसी भी तरह से रख सकते हैं। इस तरह से मैंने ये थ्रेड को रख लिया है और दोनों सिरे इस तरह से नीचे की ओर रखे हैं। तो फ्रेंड्स, अपने पेपर के ही साइज़ की मैं एक और शीट अपने पेपर के ऊपर रखूँगी। इस तरह से ये एक और पेपर मैंने बिल्कुल पेपर के ऊपर इस तरह से रख दिया है।
उसके बाद हमें कोई मोटी भारी सी किताब या कार्डबोर्ड वगैरह कुछ भी आप ले सकते हैं। इस तरह से बिछाए गए पूरे थ्रेड के ऊपर हमें इसे रखना है और पूरे हाथों से हमें इसे प्रेस करना है नीचे, यानी इसे भार हमें पूरा देना है अपना, और नीचे के दो सिरे जो हैं उन्हें इस तरह से हमें पकड़ना है और आराम से इसे खींचना है। जल्दबाजी हमें नहीं करनी है। इस तरह से पेपर पे भार रखते हुए थ्रेड को मैंने खींच लिया है। अब मैं अपनी नोटबुक को हटाऊंगी और नीचे हमने हमारी किस तरह का इम्प्रेशन आया है थ्रेड का वो हम चेक करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर इसका जो है इम्प्रेशन आया है, किस तरह से शेड्स थ्रेड ने हमें दिए हैं और एक ही साथ में हमारी ये दो पीसेस तैयार हो चुके हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमें एक ब्रश लेना है। ब्रश आप कोई भी ब्रश यहाँ पर ले सकते हैं और यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर अब मैं ले रही हूँ। डार्क ग्रीन मैंने अपने ब्रश पे लगा लिया है और इस तरह से मैं यहाँ पर इस तरह से शेड देते हुए लीव्स शो कर रही हूँ और ये हमारा मैं फ्लावर बन चुका है। ब्रश को भी हमें इसी तरह से चलाना है जैसे कि हमारा थ्रेड इम्प्रेशन आया है लाइंस की शेडिंग में। तो ये था फ्रेंड्स हमारा, मैं आपको इसको हॉरिजेंटल में करके दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा थ्रेड पेंटिंग बिल्कुल बनकर तैयार है और बहुत ही आसान था फ्रेंड्स इसे बनाना। हमारी थ्रेड पेंटिंग बनकर तैयार हो चुकी है और बहुत ही सुंदर इम्प्रेशन हमें थ्रेड से मिला है फ्रेंड्स। बहुत ही आसान था इसे बनाना, लेकिन यदि फिर भी आपको कोई बात जो समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके क्वेश्चन का जवाब देने की। और फ्रेंड्स यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।